दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है और इसको बनाने का तरीका किस तरीके से मैंने इसे बनाया। तो ये मैंने ली हुई है मैदा, करीब 2 कप मैदा है। मैंने इसमें डाला हुआ है दही, आधी कटोरी मैंने इसमें दही डाल दिया। और इसमें फूड कलर को हम डाल देंगे, ये देखिए मैंने फूड कलर, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने इसमें मैदा, दही, फूड कलर और पानी, इतनी चीज़ें ऐड की हैं। और इसे हमें धीरे धीरे पानी डालना है, हमें एकदम से पानी नहीं डालना है क्योंकि लम्प से बन जाएंगे। ये इस तरीके का पेस्ट हमारा रेडी होना चाहिए। देखिए हमारे तरीके का पेस्ट रेडी हो गया। और हम ये देखिए मैं थोड़ी देर इसको छोड़ दिया है। अब हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया। इसमें हम डालेंगे करीब 1.5 कटोरी चीनी, और चीनी डालने के बाद हम इसमें पानी डाल करके हमें एक तार की चाशनी बनानी है। चाशनी हमारी ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए, हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो पानी अब मैं 1 कप के करीब इसमें पानी डाल रही हूँ, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 इलायची और इसे उबलने के लिए रख देंगे। तो देखिए हमारा खोल आ गया है, और बस 5 मिनट में हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी, एक तार की चाशनी जो कि हमें चाहिए। तो ये देखिए हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो गई है, और हम इसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। और तो ये देखिए मैंने एक बॉटल ली है, आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं, कोई पानी की बॉटल ले सकते हैं, या आपके पास जो भी कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल वो कोई प्लास्टिक बॉटल कोई भी हो आप ले सकते हैं। तो इस बॉटल का करना क्या है, हमें इसमें हम एक इसके जो टिप है उस पर एक छोटा सा छेद बनाया। तो इसमें मैंने छेद करके इसमें जो है बैटर को भर दिया है, और एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें ऑयल गरम हो रहा है। तो ये देखिए ऑयल जैसे ही गरम हो गया तो मैंने उसमें इसे राउंड राउंड करते हुए जलेबियों को बना दिया है। तो ये देखिए इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, बस ये प्रक्रिया आपको इसी तरीके से करनी है। और घर पर आपकी क्रिस्पी और करारी जलेबियाँ तैयार हो जाएंगी, क्योंकि इस लॉकडाउन में कुछ भी बाहर का नहीं मिल रहा है। तो बच्चों को कुछ मीठा खाने का मन हुआ तो मैंने ये इस तरीके से अपने तरीके से बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये ज़रा भी अच्छी लगे तो आप भी ट्राई कीजिए। देखिए एक तरफ गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो अब इसको हम पलट देंगे, उलट पलट करके हमें इस तरीके से इसे सेक लेना है। तो ये हमारी इस तरीके से जलेबियाँ बहुत ही टेस्टी तैयार हो जाएंगी। थोड़ा बस इनको ये हमें ध्यान रखना है कि मैं बहुत तेज़ आँच में इसे नहीं सेकना है, हमें स्लो आँच पे ही सेकना है, मीडियम टू। जलेबियाँ खाने के लिए बस तैयार होने वाली। तो देखिए ये चाशनी जलेबियों को भी मैं एक बार पलट दे रही हूँ ताकि चाशनी उसके अंदर अच्छे से भर जाए। तो आप भी ट्राई करिए इस लॉकडाउन में कुछ मीठा खाने का, अगर आपका मन कर रहा है तो आप इस तरीके से जलेबी। तो देखिए इस तरीके से आप भी बनाइए कुरकुरी जलेबियाँ दही के साथ। और ये मेरी बेटी छोटे बेटे को पियानो सिखा रही है। टाइम बचने के बाद मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया, बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो मैंने वीडियो शूट किया था वो आधा वीडियो डिलीट हो गया, और ये थोड़ा सा पार्ट ही बचा। तो मैंने ये गत्ते का डिब्बा लिया हुआ था, और इसमें मैंने चारों तरफ से इस तरीके से रंगीन पेपर को चिपका दिया है। उसके बॉटम पर मैंने चिपकाई हुई है लेस ब्राउन कलर की, और मैंने 2 बटन लगा दिए। और नीचे ये थोड़ा सा पतली सी पाइपिंग का कपड़ा था तो वो मैंने नीचे चिपका दिया है। तो ये मेरा बहुत ही छोटा सा DIY ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया, जिसमें आप अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान रख सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं पूरी क्लिप नहीं बना पाई, और बनाई तो थी पर आपको दिखा नहीं पाई, ये मुझसे बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप अपने नाइफ़ फॉक स्पून को इसमें कैरी करके रख सकते हैं, या आप अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान इसमें रख सकते हैं।
एक और हम ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। कई बार आपका सामान उधर पड़ा रहता है, तो इसमें आप अपनी चीज़ों को सेव करके रख सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीच के हिस्से को हम इस तरीके से जॉइंट कर ले रहे हैं और जो नीचे का हिस्सा है उसे भी हम जॉइंट कर लेंगे और नीचे के हिस्से पर भी हम लेस लगा देंगे। आपके पास कोई भी लेस पड़ी हो आप उसका यूज कर सकते हैं। Thank you.
देखिए लैस को हमने लगा लिया है, अब हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो शेरू जो है लेटे हुए हैं मेरे पास में ही, इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं कुछ काम करती हूँ तो ये आगे पीछे ही टहलते रहते हैं, इनकी ये आदत में शुमार हो चुका है।